दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और आपसी भेदभाव त्याग करके एकजुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। लेखक ने बताया कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है। वह किसी बात का विरोध नहीं करता। अन्य जानवरों को कभी न कभी गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। बैल के विषय में लोगों की कुछ और धारणा रही, तभी तो उसे बछिया का ताऊ कहते हैं, किंतु यह बात सच नहीं है, क्योंकि बैल को गुस्सा भी आता है, वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है, इसलिए लोग उसे गधे से बेहतर समझते हैं। झुरी काछी के यहाँ दो बैल थे, एक का नाम हीरा दूसरे का नाम मोती था। दोनों सुंदर स्वस्थ और काम करने वाले थे, दोनों में पक्की मित्रता थी, दोनों साथ साथ रहते और साथ साथ काम करते थे। संयोगवश एक बार झुरी ने दोनों बैल अपने साले गया को दे दिए। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, अतः गया को बैलों को घर तक ले जाने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। शाम को जब वे गया के घर पहुँचे तो उन्होंने घास को मुंह तक नहीं लगाया। दोनों आपस में मूक भाषा में सलाह करके रात को रस्सियाँ तुड़वा कर झुरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। झुरी प्रातःकाल उठकर देखता है कि दोनों बैल नाद पर खड़े घास खा रहे हैं। झुरी दौड़कर स्नेहवश दोनों को गले से लगा लेता है। गांव के सभी लोग बैलों की स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित थे, किंतु झुरी की पत्नी से यह देखते नहीं बना। वह पति और बैलों को भला बुरा बताने लगी। अगले दिन से पत्नी ने मजदूर को बैलों के पास सूखी घास डालने को कहा। मजदूर ने वैसा ही किया। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को फिर से ले जाकर मोटी तगड़ी रस्सियों में बांधकर सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को अच्छा चारा दिया। अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया, लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर न उठाने की कसम खा रखी थी। अधिक मार खाने पर दोनों भाग खड़े हुए। मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उसको पकड़ा और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों से बांध दिया तथा फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। इस प्रकार दोनों बैल दिन भर परिश्रम करते और मार खाते और संध्या के समय सूखा भूसा खाते। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया और शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन बैल भाग चुके थे। दोनों बैल भागते भागते अपनी राह भी भूल बैठे और अब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन पास ही मटर का खेत देखकर उसमें चरने लगे और फिर खेलने लगे। कुछ ही देर में उधर एक सांड आया और उनसे भिड़ गया। दोनों ने जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न से उसे आगे पीछे से रौंदना शुरू किया। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। सांड मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर से भूख लग गई थी। सामने ही मटर का खेत देखकर उसमें पुनः चरने लगे थे, किंतु थोड़ी देर में खेत का रखवाला आ गया और दोनों बैलों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें रात भर किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे और हीरा के मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी। मोती के समझाने पर भी वह नहीं माना और उसने सामने कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू किया। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं को गिनने आया। हीरा को इस प्रकार दीवार तोड़ते देखकर उसने उसको रस्सी से बांधकर कई डंडे दे मारे। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोर कर दीवार गिरानी शुरू कर दी थी। इस प्रकार काफ़ी संघर्ष के बाद आधी दीवार गिर गई। काफ़ी जानवर भाग निकले। मोती ने फिर हीरा की रस्सी काटनी शुरू कर दी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। वे दोनों वहीं पड़े रहे।
एक सप्ताह तक वे दोनों कांजी हाउस में भूखे मरते रहे। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। दोनों बैलों को एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया गया। दड़ियल उन्हें ले जा रहा था कि दोनों को परिचित राह मिल गई और वे उससे छूटकर सीधे झुरी के घर जा पहुँचे। झुरी धूप सेक रहा था। बैलों को आता देखकर उसने उन्हें गले से लगा लिया। झुरी और दड़ियल में झगड़ा हो गया, किंतु बैलों को फिर वही स्नेह मिला। झुरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया। दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे।